आरबीआई ने किया एक और बैंक का लाइसेंस रद्द। बैंक की स्थिति बिगड़ने की वजह से उसके लाइसेंस को आरबीआई ने रद्द कर दिया है। इसका नाम है बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसकी स्थिति बिगड़ने की वजह से आरबीआई ने इस पर एक्शन लिया है। इसमें आरबीआई ने कहा है जो ग्राहकों का जो पैसा है 99.98% उनको वापस दे दिया जाएगा। अभी तक बैंक ने कहा है कि 4.25 करोड़ रुपए ग्राहकों को वापस दिया जा चुका है और जो भी पैसा बचा है उन सभी को वापस दे दिया जाएगा। अभी आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका खाता तो इसमें नहीं, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसमें अप्लाई करके अपना पैसा वापस ले सकें। ये बैंक अपना 4 जुलाई को आखिरी सत्र पूरा करेगा, मतलब आखिरी दिन उसका कारोबारी दिन होगा। कि अगर कोई बैंक वित्तीय अस्थिरता की वजह से बंद होता है तो उसका ग्राहकों पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको जितनी जल्दी हो सके हमको अपना पैसा वहाँ से निकाल लेना चाहिए।